नमस्कार। मुस्कुराने के लिए है जिंदगी, गीत गाने के लिए है जिंदगी, सर उठा के जीने के लिए है जिंदगी, खिलखिलाने के लिए है जिंदगी। हारने की बात मन में क्यों उठे, जीत जाने के लिए है जिंदगी। रूबरू थिएटर और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से आज शख्सियत सीजन 2 में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, एक बहुत बड़ा नाम, एक बेहतरीन कलाकार, रंगमंच, टेलीविजन, आकाशवाणी और रीजनल सिनेमा के एक बहुत बड़ा नाम जम्मू रंगमंच का। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं जनक खजुरिया जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। नमस्कार काजल जी। इससे पहले के मैं कोई और बात करूं, मैं आपका, आपके ग्रुप रूबरू का, उसकी पूरी टीम का और विजय सूरी जी जो मेरे कंटेम्प्रेरी भी रहे हैं उस फाउंडेशन का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। वी आर प्रिविलेज कि आप हमारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा नाम, इतने बेहतरीन कलाकार हैं आप जम्मू के, और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज मेरे ही शहर से हमारे साथ इतने बेहतरीन कलाकार आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, कुसुम धर जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुचित्रा गुप्ता जी जो बेहतरीन कलाकार हैं, कुसुम धर एक अपने आप में जी जम्मू कश्मीर में एक बड़ी एक्ट्रेस है, आस्था बहुत गुप्ता अच्छा। एक बहुत बहुत बड़ी बहुत अच्छी डांसर हैं, कलाकार हैं। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं आई एम श्योर कि सफर में भी हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे यही चाहूंगी कि आपकी जो जर्नी रही है कला के क्षेत्र में, क्योंकि आपने इतना काम किया, हर फील्ड में आपने इतना खूबसूरत काम किया, तो आपकी जो जर्नी रही है मैं चाहूंगी आप वो हमसे शेयर करें। जरूर काजल जी, मैं जम्मू से कोई 30 किलोमीटर दूर हमारा एक गांव है गुड़ा सलाथिया, जी जहाँ की मेरी पैदाइश है। और मज़ेदार बात यह है कि मेरे पिताजी आर्मी में थे, आर्मी जी ऑफिसर रिटायर हुए थे, और क्योंकि वो उनकी ट्रांसफ़र जगह जगह होती रहती थी तो जी हमें भी उनके साथ जाना पड़ता था। तो हुआ क्या है कि मेरी जो स्कूलिंग है वो पंजाब से शुरू हुई। तो पंजाब में जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाबी सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है पढ़ना। मैं जब स्कूल जी में दाखिल हुआ तो हिंदी के सब्जेक्ट के साथ साथ मुझे पंजाबी भी पढ़नी पड़ती थी, और वहाँ पर जो वातावरण था तो मेरी लैंग्वेज में पंजाबी का एक्सेंट जो था वो बहुत ज़्यादा हुआ। मैं 5th तक वहाँ पढ़ा। उसके जी बाद भोपाल चला गया तो भोपाल में जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर हिंदी मीडियम था, और वहाँ पर जाकर मुझे सारे सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ने पड़े। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम सिकंदराबाद में भी रहे, और जब वहाँ से वापस गांव में आया तो मुझे डोगरी बोलना नहीं आती थी, जो हमारी मातृभाषा थी वो मुझे जी नहीं आती थी। अगर मैं डोगरी बोलता था तो उसमें पंजाबी का एक्सेंट जो था वो आता था, या जी हिंदी बोलता जी था। और उसके बाद जब मैंने वहाँ से मैट्रिक पास की और जम्मू शहर में आकर SPM राजपूत कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने एडमिशन ली, तो जी वहाँ पर भी जो मुझे मेरे मतलब के जो सहपाठी थे वो भी ज़्यादा हिंदी बोलने वाले थे, तो इसलिए मुझे डोगरी में बात करना थोड़ा मुश्किल होता था। जी तो इसी सिलसिले में क्या हुआ कि मेरी जो इससे पहले मैं मतलब कि मैं जैसा कि हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं था जो थिएटर करता था। हमारे बड़े जी भाई साहब, शायद आप उनको जानते होंगे, विद्या रतन खजूरिया जी, जी 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 बिल्कुल वो एक आर्टिस्ट थे, वो जी बिल्कुल पेंटिंग करते थे और स्कल्प्टर थे। जी तो मैं भी उनके साथ पेंटिंग भी करता था और स्कल्प्चर भी करता था। और मैं ये मतलब के 84 तक मैं पेंटिंग और स्कल्प्चर करता रहा हूँ। जी मगर हुआ क्या है कि कॉलेज में जब जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलेज में एनुअल फंक्शन होता है, तो उस एनुअल फंक्शन में क्या हुआ कि हमारे एक प्रोफेसर थे कुलदीप सिंह जंदरैया जी, तो जी जी उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक नाटक करना चाहता हूँ
शॉर्ट प्ले था, 20 मिनट, 20-25 मिनट का प्ले है, वो मैं करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें एक करेक्टर करो, मेन करेक्टर था वो, करो। तो मैंने कहा मगर डोगरी तो मुझे बोलना ही नहीं आती है। कहते नहीं, वो करेक्टर ही ऐसा है जो मिक्स भाषा बोलता है, क्योंकि वो रिटायर्ड आर्मी का दिखाया हुआ था जिसने अंग्रेजों के साथ नौकरी की थी, और उस जी सिलसिले में क्या था कि वो उर्दू भी बोलता था, इंग्लिश उर्दू और ये डोगरी सब मिक्स करके वो बोलता था। तो मैंने कहा ठीक है, वो जी मैंने मतलब के वहां से मेरा सफर जो है वो शुरू हो गया। कि इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे गांव में रामलीला का चलन था, और रामलीला बहुत अच्छे अच्छे तरीके से रामलीला होती थी, मगर घर वाले हमें देखने कम ही जाने देते थे, और जब भी हम जाते थे तो कभी कभी हमारे दिल में भी ये जिज्ञासा होती थी कि क्या हम नहीं कर सकते ऐसा। तो क्या बात है, क्या जब बात है। मैं वहां से गांव कई बार आता था, तो हुआ क्या, एक बार मैं भी चला गया कि मैं भी रामलीला में करेक्टर करूंगा। तो अब रामलीला में प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर गाना बहुत जरूरी है, गाना आना चाहिए, और जी शायद मुझे गाना नहीं आता था, बाकी डायलॉग्स तो मैं सही बोलता था, मगर गाना गाने में प्रॉब्लम आती थी, इसलिए मुझे उन्होंने कभी करेक्टर करने नहीं दिया। जब कॉलेज से मैं गांव आता था तो हुआ क्या कि मेरे दिमाग में आया कि अगर रामलीला में मुझे नहीं करने दे रहे हैं तो क्यों नहीं हम अलग से सोशल जो ड्रामा वगैरह होते हैं, जैसे उन दिनों ज्यादा जो प्रचलित होते थे, राजा हरिश्चंद्र, जी लव कुश, जी ऐसे नाटक, और ये नाटक क्यों हम अलग से करते हैं। तो फिर मैंने वहां से ये शुरू कर दिया, वहां पर खुद मैं डायरेक्ट करता था और वहां जाकर। और मैं आपको बताऊं कि होता क्या था कि मैं यहाँ से कॉलेज से छुट्टी करने के बाद लास्ट बस जो 6:30 के करीब जहाँ से चलती थी वो पकड़ता था, और कई बार तो वो मिस हो जाती थी, तो मैं कठुआ की जी बस पकड़ के विजयपुर, आप जानती हैं जी विजयपुर उतरता था, और जी वहां से जी जी वहां से कोई 5-6 किलोमीटर हमारा गांव है, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ता था, और रात को 8-8:30 बजे जब घर पहुंचता था, खाना खाने के बाद मैं रिहर्सल करने के लिए हम चले जाते थे। क्या तो बात, वाह। वहां, हाँ यस, और रात को 11 बजे तक हमारी रिहर्सल चलती थी, और उसके बाद हम वो, और हमारा ये होता था कि साल के हम 2 नाटक जो थे वो वहां पर करते थे। उसके बाद जब मैं जम्मू में परमानेंट शिफ्ट हो गया, तो ये मैं आपको बताऊं कि भाई साहब मेरे जो बड़ौदा में थे वो भी वहां से अपनी मतलब के कंप्लीट करने के बाद आ गए थे, तो गांधीनगर में मैं उनके साथ रह रहा था। तो जी उनके साथ मैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं पेंटिंग भी करता था और जी स्कल्पचर भी करता था, तो उनके साथ मुझे मौका मिलता था आपके दिल्ली में जाने का, जैसे टर्नाले एग्जीबिशन लगती थी, 3 साल में इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगती थी, उसमें पार्टिसिपेट तो नहीं मगर मैं वहां पर जाता था। सर तो सर आपका सर मैं जहाँ, आपको यहाँ रोकू, सर आपको रोकू, मैं दिल्ली की नहीं हूँ। आपने बोला आपके दिल्ली, मैं नहीं जम्मू दी हूँ, मैं दिल्ली दी नहीं हूँ, मैं जम्मू दी, बिल्कुल जम्मू दी हूँ। बिल्कुल। मैं दिल्ली तो दी नहीं हूँ जी वहां पर मुझे ये बाबुलपुर हाउस जो है, जी बाबुलपुर बाबुलपुर जी हाउस जी जहाँ एनएसडी है, इसे जी जी बाबुलपुर हाउस में, वहां पर आर्टिस्ट गेस्ट हाउस हुआ करता था, पता नहीं अब बिल्कुल है या जी नहीं है, आर्टिस्ट गेस्ट हाउस जी होता था, जी तो सर वहां पर ही मैं रहता था। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 71-72 की, जी 71-72 की। तो तब मुझे पता चला कि ये एनएसडी इंस्टीट्यूट है जहां पर, और यहाँ पर नाटक जो है वो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। तो सर वो वहां पर मुझे मतलब के देखने का थोड़ा बहुत मौका भी मिला, तो दिल में थोड़ा सा हुआ कि क्या मैं नहीं यहाँ एडमिशन ले सकता, मगर प्रॉब्लम वही आई कि मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि ऐसा ये करे, क्योंकि वो मुझ मेरे नाटक करने को पसंद नहीं करते थे, वो कहते थे कि ये भांड हमारे घर में कहाँ से पैदा हो गया। जी तो इस सिलसिले, तो
मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं एडमिशन वहां पर लेना चाहता हूं और मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मुझे आप सिर्फ 1 साल फाइनेंस करें, उसके बाद मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांगूंगा। मगर उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मैं जाना चाहता था एनएसडी में मगर नहीं जा सका। मगर जी उसके बाद जब मैं जम्मू में जैसे शिफ्ट हो गया, तो जम्मू में शिफ्ट हुआ तो मेरी मुलाकात जो है वो जहाँ एक डुग्गर मंच के जी मोहन सिंह जी हैं, जिनका बिल्कुल, आपने भी बहुत शायद इंटरव्यू किया था, जी, बहुत बड़ा उनके नाम है मोहन सिंह जी साथ। का, बिल्कुल हाँ जी, और वो हमारे साहित्य जम्मू का, अकादमी अवार्डी भी हैं, तो बिल्कुल 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 उनके साथ मेरी मुलाकात, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने करवाई कि ये भी नाटक वगैरह करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तब वो उन्होंने एक नया नाटक लिखा था, काला सूरज, डोगरी में है, जो जी आजकल इंग्लिश जी में भी ट्रांसलेट हो चुका है और हिंदी में भी ट्रांसलेट हो चुका है। तो काला सूरज में वो करने लगे तो वो भी डोगरी में था। अब करने लगे तो मोहन सिंह जी मुझे डांटते थे, कहते कौन से गांव से आए हो तुम, आपको डोगरी बोलना नहीं आती प्रॉपर तरीके से। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या, कहते जब आप डोगरी बोलते हो तो उसमें पंजाबी का टच जो है वो आता है, वो नहीं आना चाहिए। तो मैंने बड़ी कोशिश की और उसके बाद मतलब कि उन्हीं दिनों मैंने ऑडिशन दिया आकाशवाणी में, तो मैं डोगरी में, आकाशवाणी में डोगरी में मैं पास हो गया। तो मजेदार बात ये सुनाऊं कि पहला नाटक जब उन्होंने मुझे बुक किया उसके लिए, तो हुआ क्या कि पहली बार तो बड़ा लंबा करेक्टर तो देते नहीं है, उन्होंने मुझे मतलब कि एक सीन में था मेरा करेक्टर, तो मैंने दिया और ठीक ढंग से हो गया। तो जी दूसरी बार उन्होंने कोई 2-3 महीने के बाद मुझे बुलाया और मुझे मेन करेक्टर दे दिया, और डोगरी का नाटक था, रामनाथ शास्त्री जी का लिखा हुआ था। पद्मश्री, पद्मश्री तो रामनाथ शास्त्री जी, हाँ जी, पद्मश्री रामनाथ पद्मश्री शास्त्री रामनाथ, जी हमारे का जम्मू का एक बहुत जी बड़ा जी नाम, बहुत बड़े नाम साहित्यकार था। हैं जम्मू के, यस प्रोफेसर यस, रामनाथ शास्त्री जी। तो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या हुआ कि मुझसे डोगरी के जो अक्षर थे बहुत सही ढंग से प्रोनाउंस नहीं हो रहे थे। काजल जी जी मेरे मतलब के सीनियर आर्टिस्ट थे, जेसी भारती, आपने नाम सुना जी होगा, जी जेसी बिल्कुल भारती थे, बिल्कुल, जैसे काम किया उनके साथ, वहाँ, काम और किया उनके साथ, ये अपने राम कुमार अबरोल जी थे। जी अबरोल अंकल जी, बिल्कुल जी राम कुमार अबरोल जी थे, और विष्णु भारद्वाज जी थे जो उसको जी प्ले को प्रोड्यूस कर रहे थे। तो रिहर्सल में मेरी इतनी बुरी हालत हो गई कि मैं मतलब कि मैंने आंसू कैसे रोक के रखे थे मैं जानता हूं, कि मतलब के रोने तक पर नौबत आ गई थी। जब रिहर्सल खत्म हुई तो मैंने स्क्रिप्ट जो थी वो विष्णु भारद्वाज जी के आगे रखी। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता इतना लंबा रोल, क्योंकि इतना लंबा करेक्टर मुझसे नहीं होगा डोगरी में, क्योंकि डोगरी में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रही है। कहते नहीं, तुम कर लोगे कर लोगे कर लोगे, मुझे मालूम है तुम कर लोगे। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है तो प्लीज। तो मैंने वो नाटक छोड़ दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने मेरे घर में डोगरी की बहुत सारी किताबें थी, बड़े भाई साहब के पास मैं रहता था, तो उनके लाइब्रेरी में डोगरी की काफी बुक्स थी। जी 6 महीने तक मैं डोगरी की जितना लिटरेचर था उनके पास मैंने सारा पढ़ा। और ये नहीं है कि ऐसे देख के पढ़ा, जैसे डायलॉग बोलते हैं उस तरीके से मैंने जोर जोर से पढ़ता था, ताकि सही ढंग से प्रोनाउंस कर सकूं उसको। तो छह क्या बात महीने है, के बाद मैं फिर विष्णु भारद्वाज जी के पास गया कि मैंने कहा कि अब मैं डोगरी नाटक करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, आप मुझे दीजिए। और काजल जी, ईश्वर की दया के आज तक मैं ठीक ढंग से डोगरी के नाटक कर रहा हूं, आकाशवाणी में भी और थिएटर में भी। क्या और बात, तो मतलब ऐसा मेरा सफर जो है वो
बहुत बहुत नाटक इंस्पिरेशनल का है, खासतौर पे जो आपने ये बात बताई कि डोगरी, या डोगरी आप डोगरी थे लेकिन आप जम्मू से बाहर रहते थे, तो वो फर्क पड़ता है। जी और जी जिस तरह से आपने डोगरी सीखी, बींग ए डोगरा, आपने फिर किस तरह से वो जो पढ़ा आपने, सब यंग जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है अगर आप में शिद्दत हो करने की, आप पढ़ के भी, यस ये नहीं कि आपको कोई सिखाने वाला हो। जिस तरह से आपने सीखी डोगरी, मतलब आपकी अपनी, हमारी अपनी मदर टंग है, और लेकिन जिस तरह से सीखी है आपने, ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ अमरजीत अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कलाकार हैं बेहतरीन, कुसुम धर जी तो हैं ही, विनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं शिलोंग से, जो एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टर हैं, लिखती हैं, जनक सर योर सिंपलिस्ट इज सो अट्रैक्टिव। निरुपमा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, थैंक एक यू बेहतरीन कलाकार हैं, रेडियो की, सिनेमा की, दूरदर्शन की बेहतरीन कलाकार हैं। सुचित्रा गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बेहतरीन कलाकार है। निरुपमा वर्मा जी लिखती हैं कि वी ऑल आर फ्रॉम एनएसडी, नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा। बहुत खूबसूरत बात लिखी है आपने, नेचुरल स्कूल बहुत ऑफ बढ़िया जी, स्कूल ऑफ ड्रामा। ड्रामा, नेचुरल बहुत खूबसूरत बात स्कूल हमारे ऑफ, साथ, यस 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 वाकई। हमारे साथ पार्वती हाँ वालिया जी जुड़ चुकी हैं, राइटर है, मुंबई से जुड़ी हैं हमारे साथ। अय्याश आरिफ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक नायडू जी हमारे श्रीनगर साथ से, जुड़ हाँ चुके, जी से कश्मीर से, हाँ दीपक नायडू हाँ जी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेहतरीन गायक हैं थिएटर, अभी और मुझे भी पता चला कि थिएटर से भी उनका ताल्लुक रहा है। बहुत बहुत जी शुक्रिया जी कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर आपका ये सफर चलता रहा, आपने बहुत सारे नाटक किए, डोगरी के नाटक किए, टेलीविजन पे किए, तो मैं चाहूंगी आप उसके बारे में भी आपको हमें बताएं, जो आपका फेवरेट नाटक रहा है रंगमंच का। क्योंकि आप, मैं जो जम्मू के जो बहुत ही लेजेंड जिनको कहा जाता है, उनमें से जनक खजूरिया जी का भी एक नाम आता है, तो मैं चाहूंगी कि जो आपने नाटक किए हैं खासतौर पे जम्मू रंगमंच के लिए, उसके बारे, उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। काजल जी, वैसे तो जितने भी नाटक मैंने किए हैं मेरे लिए तो सब फेवरेट ही थे, और उनमें एक नाटक है मोहन सिंह जी का लिखा हुआ पंच कल्याणी, जी वो पांच करेक्टर हैं उसमें, और उस नाटक में पांच ही एक्ट हैं, और जी ये नाटक काफी लंबा नाटक है, नियर अबाउट मोर देन 3 आवर्स, जी 3 घंटे से तीन ज्यादा लंबा घंटे नाटक का, यस। और ये नाटक, इसमें पांच ही करेक्टर हैं और पांच ही मेल करेक्टर हैं, वो जी पांचों करेक्टर एक एक्ट में, एक करेक्टर जो है वो मेन लीड करता है। तो ये मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूं कि अगर ये नाटक आप कर जाएं तो समझो आप एनएसटी पास हो गए। क्या बात, उस क्या बात, यस उसमें क्या है कि आपको कम से कम 20-25 करेक्टर अलग अलग किस्म के करने पड़ते हैं। मजेदार बात उसमें क्या है कि आप उसमें बदमाश भी बनोगे, आप उसमें गरीब भी बनोगे, आप उसमें कृष्ण भी बन रहे हो, आप उसमें, मतलब कि बहुत सारे वैरायटी है। ये नाटक सबसे पहले डायरेक्ट किया था शिव शास्त्री थे, आप जानते थे उनको, जी 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 शिव शास्त्री जी एनएसडी पास जी आउट हैं, जी वो जी जब फर्स्ट ईयर में थे, एनएसडी में फर्स्ट ईयर में थे, तो वो शायद उनका कोई प्रोजेक्ट होता है, तो वो जहां पर आए तो मेरे साथ उनकी बात हुई, तो मोहन सिंह जी के साथ भी बात हुई, तो कहते मैं, मेरा प्रोजेक्ट है तो मैं एक डोगरी में नाटक करना चाहता हूँ। तो जी मोहन सिंह जी ने कहा कि मेरे पास एक नाटक है पंच कल्याणी, तो वो जी हमने, और आप यकीन नहीं करोगे, ये नाटक हमने एक हफ्ते में तैयार किया, तीन 1 हफ्ते में, ओ सौ गॉड, यस 3 सवा 3 घंटे का नाटक, मगर ये था कि सुबह से लेकर रात तक रिहर्सल चलती थी, हमारा ब्रेकफास्ट भी वहीं होता था, लंच भी वहीं होता था, डिनर करने के बाद हम घर जाते थे। तो क्या बात, क्या बात, वो उसके बाद क्या हुआ कि अब क्या था, वो नाटक बड़ा बोल्ड नाटक है, डोगरी में जी काफी बोल्ड जी नाटक था, उसमें कुछ डोगरी कुछ में था डायलॉग जो हैं वो, यस डोगरी में था, कुछ जी डायलॉग जो हैं वो बड़े बोल्ड डायलॉग हैं, और जब हम जी ये रिहर्सल कर रहे थे तो हम ये सोच रहे थे क्या ये लोग पसंद करेंगे, क्या ये जी लोग इस नाटक को पचा पाएंगे या नहीं पचा पाएंगे। आप यकीन नहीं करोगे, अभिनव थिएटर में जब हमने ये नाटक किया
तो पिन ड्रॉप साइलेंस रहा और लोग 3 सवा 3 घंटे चुपचाप बैठकर नाटक देखते रहे। क्या और बात, उसके बाद, क्या बात। उसके बाद क्या हुआ, जैसे आप जानते हैं कि जम्मू के साथ जहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर अखनूर बिल्कुल, चनाब दरिया के बिल्कुल किनारे जो है, तो बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ वहाँ के वो थे पद्म देव सिंह नरदोशी, उनकी एक संस्था ने हमें कॉल किया कि हम चाहते हैं कि आप ये नाटक अखनूर में करो। जी तो मोहन सिंह जी कहने लगे जी अखनूर में नाटक करेंगे। मैंने कहा अखनूर में तो करेंगे मगर ये नाटक वहां पर तो कोई स्टेज है ही नहीं है तो कैसे करेंगे, आप यकीन नहीं करोगे। तो कहने लगे इसमें हमें तो कोई सेट की जरूरत नहीं है, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमने वो 3 घंटे का नाटक नुक्कड़ नाटक की तरह किया, आप यकीन नहीं करोगे कि 500 वाट का एक बल्ब लगा के, जैसे आप क्या जानते बात। हैं कि चौपाल जो होती है, जैसे गांव हाँ में जी, चौपाल नहीं होती है, हाँ बस जी, हाँ जी, चौपाल में वहां पीपल का पेड़ था उस पर हमने एक बल्ब लगाया बड़ा सा, और मेरे ख्याल ज्यादा नहीं तो कम से कम 3-3.5 हजार लोग बैठे हुए देख रहे थे, पूरे ऊपर क्या छत पर बात। बैठे, इधर बैठे इधर बैठे, और उस लाइट में हमने किया। और वो नाटक मुझे बड़ा इंस्पायर करता है, और वही नाटक मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि अगर आप ये नाटक कर लो तो समझो आपने एक्टिंग सीख ली, क्योंकि उसमें क्या बात, वेरिएशन बहुत है, वॉइस वेरिएट करनी पड़ती है आपको, तो वो नाटक मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही इंस्पिरेशनल इंसिडेंट है ये, बहुत ही इंस्पिरेशनल। कि किस तरह से थिएटर तो एक्टर्स मीडियम है बिल्कुल पूरी तरह से, और किस तरह से ये तो शिद्दत है थिएटर करने की, कि आप कहीं पे भी कर सकते हो और एक लाइट लगा के थिएटर करना। वाह वाह, ये हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ बलवंत ठाकुर जी जुड़ेंगे, हमारे साथ बलवंत ठाकुर जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी उनको हाँ, मैं। वो मैरी 14 जी हो जी रहे हैं अभी, मेरे ख्याल कल या परसों ही पहुंचे हैं वो, जी 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 वहां से हाँ जम्मू परसों जम्मू पहुंचे पहुंचे हैं। हैं जी जम्मू पहुंचे जी हैं। जी, मैरी नायडू जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। संध्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं जम्मू से, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी इनको भी मैं। कनन अरुणाचलम जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं सिनेमा के और टेलीविजन के और थिएटर के बेहतरीन कलाकार हैं कनन सर, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। कनन सर आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हैं दीपक नायडू साहब, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कमाल के सिंगर हैं। सरला मेहता जी लिखती हैं कि ख्वाहिशें भी तभी मुकम्मल होती हैं जब तलब शिद्दत भरी हो। बहुत खूबसूरत लिखती हैं सलमा बिल्कुल, सरला जी, वाकई। तो वाकई जुनून ये होना जो बहुत आपने, जरूरी है। बहुत जरूरी है जो आपने ये अभी इंसिडेंट सुनाया ना, मजा आ गया ये सुन के कि आपने किस तरह से थिएटर किया। ये डोगरी में है ये वाला नाटक, मोहन हाँ सिंह जी का जी लिखा जी हुआ, जी पंच और ये कल्याणी, पंच, मतलब 5 कल्याणी जो 16 कला संपूर्ण करेक्टर बताए हुए हैं उसमें। क्या बात है, क्या बात है। मोहन ये सिंह जी की होता अगर मैं बात करूं, अपने लिसनर्स हमारे व्यूअर्स को बता दें, जम्मू कश्मीर के बहुत बेहतरीन राइटर्स, राइटर तो हैं ही वो, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इसके अलावा वो बहुत काम करें डोगरी को लेकर, एक बहुत उम्दा कलाकार है मोहन सिंह जी, उनको हम बुला चुके हैं इस कार्यक्रम में। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं जनरल जी ग्रेट, योर टॉक्स आर वेरी मोटिवेशनल एंड इम्प्रेसिव, वेरी वेरी राइट, बिल्कुल थैंक यू सही कह थैंक रहे यू हैं आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक मैं यू। अभी थिएटर में वापस आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने फिल्में भी की रीजनल फिल्में, और बहुत जी बेहतरीन जी काम किया कुछ डोगरी की, तो जी उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। काजल जी, जैसे कि आप जानती हैं कि जम्मू में पहली डोगरी फिल्म जो थी वो गल्ला हुईयां गल्ला बीतियां हुई जिसी आखिर, बीतियां, हाँ यस गल्ला हुई बीतियां वो 1966 में पहली फिल्म बनी थी। जी तब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, जी तो उसके बाद डोगरी में रीजनल फिल्म कोई नहीं बनी। उसके बाद फिर अमित चौधरी एक थे क्या जी चौधरी हैं, वो बॉम्बे में आजकल काम कर रहे हैं, जी उनको जुनून हुआ कि डोगरी में फिल्म बनाई जाए, तो जी उन्होंने डोगरी में फिल्म बनाई माँ नहीं मिलती, जी जी और बिल्कुल उसमें भी मैंने काम किया करीब
रोल था मेरा, तो उसमें मैंने काम किया। और बड़ी मजेदार बात यह है कि वो रूप सागर जी हैं, उन्होंने डायरेक्ट की थी फिल्म माने मिल दी, और उसके बाद दूसरी फिल्म बनी फिर रीत, जी रीत रीत फिल्म जो पंकज खजूरिया ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी, उसमें भी मैंने काम किया है। और एक और फिल्म बन के तैयार पड़ी है लेकिन थिएटर तक नहीं अभी पहुंची है, डोली फिल्म है, वो राजीव गुप्ता जी बॉम्बे से थे, उन्होंने डायरेक्ट की है, और उसमें है मैंने एक कॉमेडी मतलब कॉमिक रोल प्ले किया है। और बस यही मतलब के रीजनल फिल्म, और इसके अलावा मैंने अभी बॉम्बे की एक फिल्म की थी द गॉगल्स ऑफ राजेश खन्ना, अभी वो रिलीज जी नहीं हुई है, पता नहीं क्यों नहीं हुई है। वो हमने ये बसोली के ऊपर बनी में सारी शूट हुई है फिल्म, उसमें ये अर्चना सिंह जी वगैरह सब आए हुए थे वहां से, बॉम्बे से काफी एक्टर जी थे, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था, तो जी बस ऐसे ही चल रहा है। तो बाकी रीजनल फिल्म को यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जम्मू में थोड़ा सा ऐसा है कि रीजनल फिल्म को प्रमोट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बाकी स्टेट्स में जितनी भी रीजनल फिल्म्स बनती है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट जो है वो गवर्नमेंट करती है, उनको सब्सिडी जी 50% सब्सिडी मिलती है, सब कुछ मिलता है। उसके बाद मतलब के कुछ कंपनीज हैं जो उनको स्पॉन्सर भी करती है, मगर यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है, यहाँ तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलता। हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि रीजनल लैंग्वेज और रीजनल सिनेमा को प्रमोट करने के लिए उनको कम से कम मतलब कि इनकी मदद करनी चाहिए, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है आप बेहतर जानती हैं, मैं ज्यादा नहीं इसके बारे में बोलूंगा कि जम्मू वालों के साथ तो वैसे भी डिस्क्रिमिनेशन जो वो चलती रही, ऐसा बट है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जम्मू में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है जम्मू में। और लोकेशंस वाइज अगर हम देखा जाए, इतनी खूबसूरत लोकेशन है वहां, किसी लोकेशन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी लोकेशन अपने आप वहां मौजूद हैं। और इतना खूबसूरत होने के बाद भी, अगर इतना टैलेंट होने के बाद भी, इतना म्यूजिक, खूबसूरत म्यूजिक होने के बाद भी, जम्मू का जो डोगरी सिनेमा है वो उस मैार तक नहीं पहुंचा जहां पे उसको होना चाहिए था। तो इसीलिए मैं ये बात भी करूंगी कि जो डोगरी रंगमंच है इसके बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, जिस तरह से मराठी है या फिर जिस तरह से बंगाल का थिएटर है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डोगरी रंगमंच को आप कहाँ देखते हैं, खास तौर पर अगर फोक की बात करूं तो। देखिए डोगरी रंगमंच जो है इसका मतलब इसकी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, फोक की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले डोगरी जी रंगमंच की। मतलब के 1935 में जी विश्वनाथ खजूरिया जी ने पहला नाटक लिखा जी था जी अछूत, तो उसके बाद मतलब कि लिखा भी उन्होंने, डायरेक्ट भी किया और स्टेज भी किया उन्होंने। जी उसके बाद रामनाथ शास्त्री जी ने बाबा जी तो लिखा, जी और जो बलवन जी करते हैं बाबा जी तो वो रीराइट हुआ था, उससे पहले उन्होंने लिखा था। और उसके बाद उन्होंने शास्त्री जी, रामकुमार अबरूल जी, दीनू भाई पंत जी मिलकर एक इन्होंने नमाग्रा नाटक भी लिखा था। और ये उसके बाद क्या हुआ कि नाटकों का सिलसिला जम्मू में शुरू शुरू हो हो गया। गया, खासकर डोगरी नाटक का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स क्लब नरसिंह देव जमाल जी ने क्रिएट किया, और वो मतलब के वो कमिटेड थे कि हमने डोगरी नाटक ही करने हैं, और वो खुद लिखते थे और पद्मश्री उसके नरसिंह बाद देव उनका जम्वाल कर... जी ना, यस पद्मश्री यस नरसिंह देव पद्मश्री, जम्वाल जी। जी यस यस पद्मश्री हो गया। जी तो उन्होंने भी काफी नाटक लिखे, और उनका जो फ्रेंड्स क्लब था उन्होंने काफी डोगरी जी नाटक जो है वो किए, जैसे दीनू भाई पंत जी ने लिखा सरपंच, तो सरपंच जो था वो कवि रतन जी के बड़े भाई रतन जी ने डायरेक्ट किया था, और उसमें उन्होंने करेक्टर भी बहुत अच्छा किया था, और दैट वाज द मतलब के स्टार्ट ऑफ मॉडर्न थिएटर, डोगरी मॉडर्न थिएटर जो था वो रतन जी से समझो
स्टार्ट हो गया। तो जी वही नाटक जो था वो उसके बाद कवि रतन जी ने भी किया, दिल्ली में जाकर, दिल्ली में किया था उन्होंने सरपंच डोगरी नाटक जो था। तो मतलब कि डोगरी कवि रतन नाटक जी का भी, सफर जो कवि रतन जी भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही थे एनएसटी वैसे। एनएसटी पास आउट थे, जी एनएसटी पास आउट थे, और हमें भी मतलब के सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का। मैं आपको बताऊं कि जब मैं बता रहा था कि 72 की बात है, वो जब एनएसटी से पास होके आगे थे, 70 71 में वो मेरे ख्याल पास होके आगे थे, तो ये सेक्रेटरिएट के पास जो गांधी भवन है वहां जी पर उनकी एक रिहर्सल चल रही थी, शायद शुतुरमुर्ग की चल रही थी, जब पगला घोड़ा की चल रही थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैं भी वहां पर चला गया कि मुझे नाटक करना है। जी काजल जी, मैं 3 दिन वहां जाता रहा, चुपचाप मुझे बैठ मैं देखता रहा, मगर वो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया उसके बाद के नाटक करना। मगर मेरे दिल में था कि एक ना एक दिन मैं आपके साथ नाटक जरूर करूंगा, और मैंने किया उनके साथ। क्या मगर बात किए, जो भी किए उनके साथ किए वो डोगरी में ही किए। एक था विरासत, जी वो ट्रांसलेट था डोगरी में। जी विरासत जो था बेसिकली मराठी नाटक है, वो दीपक जी ने बिल्कुल ट्रांसलेट किया था, और दीपक जी का ही ग्रुप है रंगयुग, उन्होंने किया जी था, और डायरेक्टेड बाय कवि रतन जी, उन्होंने डायरेक्ट क्या किया बात था। और उसके बाद क्या बात फिर एक उन्होंने देवी प्ले डोगरी में, वो भी ट्रांसलेट किया हुआ है, कवि रतन जी ने खुद ट्रांसलेट किया था, बंगला नाटक है वो, देवी, शायद सत्यजीत रे जी का है वो, तो उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था डोगरी में, तो वो भी मैंने जी कवि रतन जी के साथ किया था। और उसमें मजेदार बात थी कि मैं करेक्टर के अलावा सेट डिजाइन भी मैंने ही किया था उसमें, वाह क्या देवी देवी बात प्ले में। तो जी जी ऐसे हम डोगरी डोगरी रंगमंच नाटक की बात कर का, रहे थे, हाँ हाँ जी, डोगरी डोगरी नाटक की बात रंगमंच कर रहे थे। जो है, यस, डोगरी रंगमंच जो है, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि पद्मश्री रामनाथ शास्त्री जी का नाटक जो है, फिर बलवंत जी ने उसे री राइट करवा के अपने हिसाब से, और वो पहला नाटक है जो जी इंटरनेशनल लेवल पर बलवंत जी बाहर बाबा जी लेके गए, तो शायद पहले पहले बाबा पहली जी बार, शायद पहली बार वो शायद जर्मनी में गए थे, शायद मुझे इतना ही बाबा याद जी है, तो वो बाबा जी तो बाबा हाँ बाबा, जी तो नहीं, वो घुमाई लेके गए थे। ये हाँ पहला घुमाई नाटक था, बाबा जी तो पहला नाटक था जो मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने खेला, जी और जी आज तक वो रेगुलर, पिछले मेरे ख्याल 30 32 सालों से वो रेगुलर प्ले कर रहे हैं, हर साल उसके बिल्कुल 4 5 शो वो करते हैं, और लोगों को काफी पसंद भी आता है। और पहला नाटक डोगरी में जो बलवंत जी घुमाई नाटक है, वो भी एक फोक टेल पर ही बहुत खूबसूरत है आधारित है नाटक है, यस, तो वो नाटक पहला घुमाई मेरे ख्याल वो लेके गए थे, और जिससे मतलब मैं बलवंत जी इसके हकदार है, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने डोगरी नाटकों के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि उसको इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया कि डोगरी भी कोई है। तो बिल्कुल जी। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। शब्बीर मुजाहिद जी हमारे साथ कश्मीर से जुड़े ओ हैं, लिखते मुबारक, हैं जनक जी को बहुत अच्छा लग थैंक रहा यू है थैंक यहाँ यू रूबरू के मंच पर देखकर। ही इज वर्सटाइल एक्टर, थैंक यू बहुत थैंक यू बहुत सर, शुक्रिया थैंक कहना यू। चाहूंगी। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं, इट इज सो गुड टू लर्न समथिंग। हर किसी से अलग अलग जगह से जो लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से जो लोग आते हैं, उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सुचित्रा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं फोक की बात करूंगी, डोगरी फोक को लेकर, कि क्या इतना रिच हेरिटेज है लेकिन जम्मू तक ही सीमित है, बाहर वो नहीं पता इतना इतना है। चाहे टड हो, पगता हो, हरन हो, इतना कुछ है, जागरना हो, नहीं पता मेरे ख्याल से बिल्कुल सिर्फ जम्मू बिल्कुल, से बाहर नहीं पता शायद। क्या कहेंगे आप? काजल जी, जम्मू की टोपोग्राफी आपको तो मालूम है, मगर जो जी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं, जम्मू की टोपोग्राफी ऐसी है कि जम्मू पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है जम्मू का,
और उसके बाद हिमाचल के साथ भी हमारा बॉर्डर लगता है, और जो पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर लगता है शिवालिक पहाड़ियों तक, वो मैदानी इलाका है, उसके बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है, शिवालिक हिल्स जो है वो शुरू हो जाती है, फिर पीपनचाल की भी जो है वो पहाड़ियां जो है वो शुरू हो जाती हैं, और इतना ब्यूटीफुल इलाका है कि आपको मतलब के हर किस्म का मौसम जो है वो जम्मू में आपको मिलेगा। जी गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी भी मिलेगी और गर्मियों में बहुत ज्यादा ठंडा इलाका भी मिलेगा जम्मू में। जम्मू की जी टोपोग्राफी इस किस्म की है। जी प्रॉब्लम जैसे आपने कहा कि फोक, फोक में जैसे हमारे मतलब के आपने कहा कि भक्ता, भक्ता मतलब के एक फोक थिएटर की ऐसी फॉर्म है, जैसे कि आप जानते हैं कि नाटक, संगीत और नृत्य, ये तीनों विधाएं जो हैं आप अपनी जगह पर कंप्लीट हैं, जी मगर फोक में अगर संगीत ना हो, मतलब उसमें नृत्य ना हो और उसमें नाटक ना हो, तो फोक नाटक जी का मजा नहीं आता है। तो हमारी जो भक्ता वो है उसमें संगीत भी है, उसमें नृत्य भी है और उसमें नाटक भी है, उसमें डायलॉग वगैरह भी चलते हैं, सब कुछ चलते हैं। और ये फोक नाटक जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड है, हिंदुस्तान जी में हर स्टेट में हर जगह हर स्टेट का अपना अपना एक फोक है, और जी वैसे ही हमारे जम्मू का भी फोक है। और फोक जो था वो ज्यादा से ज्यादा मतलब ये था कि जो लोग मेहनत करते थे, किसान वगैरह थे या कुछ भी थे, तो वो जो दिन भर काम करते थे तो शाम को एंटरटेनमेंट के लिए कोई और कोई साधन नहीं होने के कारण ये फोक थिएटर जो था वो जम्मू में, जैसे भक्ता था तो ऐसे ही वो मतलब वो लोग जो थे वो स्वांग भी करते थे, जी मतलब कि जैसे कोई जमींदार है उसका स्वांग करेंगे या किसी और का करेंगे, तो इसी ऐसे चलता था। ऐसे ही हमारे जागरना, जो जैसे कि आपने कहा जागरना, जी जागरना पंजाब में भी मशहूर है और जागरना हमारे जम्मू में भी मशहूर है, क्योंकि ये रावी के इस हमारी तरफ जम्मू शुरू हो जाता है, रावी के उस साइड जो है पंजाब आता है, तो रावी के किनारे किनारे जितना भी चलता था। तो जागरना तो बेसिकली ऐसा था कि जैसे शादी हुई, बारात जो है वो चली गई और पीछे लेडीज जो थी वो रह जाती थी घर पर, उसमें दो जी चीजें देखने वाली थी, एक तो वो एंटरटेन करती थी, जागरना मतलब कि सारी रात जागना, तो जी जी उसमें क्या होता था कि एक तो क्योंकि जब शादी किसी भी घर में शादी होती है तो आप जैसे जानते हैं कि जो भी गहने या जो भी है वो मतलब कि घर पर होता है ताकि कोई चोर आके चुरा के ले ना जाए, तो उसलिए जी जागरना जो था वो वजूद में आया, और जागरने में जागने के साथ साथ लेडीज जो थी, सिर्फ लेडीज को ही अलाउड था, लेडीज जो थी वो एंटरटेनमेंट का एक साधन जो था वो उसमें, और उसमें वो फिर एक दूसरे की नकल, किसी बुजुर्ग की नकल या किसी सास ससुर की नकल, ये वो सारा सिलसिला जो वो चलता था, और ये एक बहुत ही अच्छी फॉर्म जो है वो है जागरना की। ऐसे ही एक हरण की फॉर्म है हमारे जम्मू में, तो ये हरण की फॉर्म जो है वो जैसे लोहड़ी का त्योहार आता है तो उसमें क्या होता है कि लड़के लड़के को हरण बनाया जाता है, जी तो उसे बनाया जाता है, वो फिर घर घर जाके मांगते हैं, और उसके साथ ही वो उस फार्म में कुछ लड़के जो वो औरतों का लड़कियों का करेक्टर भी करते हैं, और फिर वहां जाकर वो मतलब कि जैसे नुक्कड़ नाटक की तरह हम उसको फॉर्म करते हैं, और हरण जो है बड़ी अच्छी है। ऐसे ही एक और फार्म हमारे जम्मू में, यात्रा आख दिन उसको वो कहते हैं जी यात्रा, जी
जी तो जात्र मतलब के जात्र बेसिकली फॉर्म तो बहुत अच्छी है मगर बहुत जुड़ी हुई है जैसे जादू टोना वगैरह के साथ। तो जी फॉर्म तो बहुत अच्छी है, उसको अडाप्ट कर सकते हो आप नाटक के लिए, मगर जैसे जी कि आजकल साइंस का युग चल रहा है तो उसमें जो जादू टोना वगैरह को प्रमोट करना कोई अच्छी बात नहीं नहीं समझते हैं, मगर वो जी फॉर्म बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें म्यूजिक क्या है, ढोल बजता है जी और थाली बजती है। हाँ क्या थाली बात थाली वो क्या है कि एक मटका होता है, मटके के ऊपर जो सात धातु की थाली होती है उसको थाली के ऊपर रख के वो थाली बजाना जो है वो एक जैसे ये रिंग मैंने पहनी है ऐसे रिंग के जी साथ लेके हाँ उसको वो देते हैं, और वो जो थाप देता है ढोल की थाप, और थाली जब बजती है तो उसमें जो दो मेन करेक्ट मतलब जो होते हैं जैसे चेला और उसका जो गुरु है, तो वो चेला वो जब थाली और वो म्यूजिक इतना खतरनाक म्यूजिक है कि आदमी को जोश आ जाता है, और उसके बाद वो जातर जातर जय मतलब कि ऐसे ऐसे गर्दन घुमाना जी शुरू करता है, और उसके बाद वो फिर बोलना शुरू करता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। वो इतनी अच्छी फॉर्म है और इस फॉर्म में मैं तो आज भी नुक्कड़ नाटक जो है वो इसी फॉर्म में कर रहा हूँ, क्या जातर बात की फॉर्म क्या में ये बात नुक्कड़ नाटक हम रेगुलर कर रहे हैं क्या इसी में। बात, बहुत खूबसूरत। इवन हरण है हमारा, कान सखियां, कितना कुछ है जप हाँ में कान करने के सखियां लिए। देखो जैसे नवरात्रों के बाद जो कृष्ण और राधा बनाकर जो वो सब बैठाते हैं तो उसके साथ वो कान सखियों वाला वो भी चलता है। तो बाकी रही बात जैसे आपने कहा कि इस चीज को बाहर नहीं जाने दिया, जी अगर मैं बात करूंगा तो इसमें हमारे मतलब के हमारे जम्मू को वैसे भी प्रमोट नहीं किया गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आजकल हम एक हमारी एक एसोसिएशन है दूरदर्शन अप्रूव ड्रामा आर्टिस्ट एसोसिएशन जिसे हम दादा के नाम से कहते हैं, हम पिछले जी 20 सालों से एक जंग लड़ रहे हैं और जंग ये है कि हमारा डुगर चैनल जो है वो दिया जाए। तो जी वो कहते हैं कि हम एक स्टेट को, अब तो जूटी बन गई है, एक स्टेट को जी एक ही सैटेलाइट चैनल जो है वो प्रोवाइड करते हैं और वो हमने काशर चैनल आपको दे दिया है। वेयर एज काशर चैनल जो है उसमें साफ लिखा हुआ है फॉर द प्रमोशन ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। जी अब विडंबना यह है कि मैंने कहा, आपने ठीक कहा कि हम एक स्टेट या एक यूटी को एक ही सैटेलाइट चैनल देते हैं। काजल जी बंगाल में एक ही लैंग्वेज है बंगाली, पंजाब बिल्कुल में एक ही लैंग्वेज है पंजाबी, गुजरात में जी गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, जी मगर हमारे जम्मू कश्मीर में दो भाषाएं हैं कश्मीरी और डोगरी जो दोनों 8th शेड्यूल में शामिल है। जी हर स्टेट में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वेयर एज हमारे जूटी में दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक जम्मू में है एक श्रीनगर में। हर एक स्टेट में एक ही एम्स है, वेयर एज हमारे जूटी में दो एम्स हैं, एक जम्मू में है एक श्रीनगर कश्मीर में। में और यही बात हमने मतलब कि हमारी जब होम मिनिस्टर जी के साथ बात हो रही थी तो हमने कहा, उन्होंने ही कहा था कि हम एक स्टेट को एक ही सैटेलाइट चैनल देते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मगर ये बाकी सब कुछ दो दो दिया है तो जब जो हमारी भाषा है डोगरी हमारी भाषा है, हमारा डोगरों का एक अलग कल्चर है, हमारा हमारी अलग विरासत है, उसको प्रमोट करने के लिए हमें सैटेलाइट चैनल चाहिए। जब सब कुछ दो दो दिया है, हमारे 8th शेड्यूल में भाषा जो है वो है तो उसके बावजूद हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा जो फोक है जो हमारी डोगरी भाषा है वो प्रमोट नहीं। और उसी दौरान जब हम दिल्ली में गए हुए थे तो हम कांग्रेस के ऑफिस में बैठे हुए थे, डॉक्टर करण जी करण सिंह जी के साथ हमारी इसी सिलसिले में बात हो रही थी, तो उसके बाद हमने लंच वगैरह किया तो हम बाहर आ गए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर रिपोर्टर्स वगैरह तो इन ऑफिस में घूमते रहते हैं, तो हम जो 10-12 लोग गए हुए थे तो हम अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में थे, पगड़ी वगैरह जो हमारा है
तंग पजामा डालना, कुर्ता हमारी वगैरह आप जानते सुखन हैं जो होती है उसमें थे। यस चूड़ीदार। यस यस, चूड़ीदार पजामा जो था वो हमने डाला हुआ था। तो उसमें जब हम बाहर वहां लॉन में आए तो एक रिपोर्टर मेरे पास आया, तब वो मुझे कहता कि आप राजस्थान से हो? मैंने कहा नहीं, हम जम्मू से हैं। नहीं, है पगड़ी तो राजस्थानी बांधते हैं। मैंने कहा नहीं, हमारे डोगरे जो हैं वो भी पगड़ी बांधते हैं। बिल्कुल तो कहते अच्छा, आप फिर जम्मू कश्मीर से हो? महा जी हाँ, जम्मू से हैं। तो आप फिर कश्मीरी हुए ना? महा नहीं जी, हम डोगरा है। वो कहता अच्छा, आप डोगरा कश्मीरी हो? मतलब के विडंबना हमारे साथ ये रही कि आज तक सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को ही प्रमोट किया गया, जम्मू को, जम्मू का और जम्मू डोगरा कल्चर को कभी भी प्रमोट बाहर का किसी ने नहीं किया। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी कभी इसको मतलब के नहीं किया। तो शायद इसी वजह से हमारा फोक, हमारा कल्चर लोगों तक नहीं पहुंच सका। और हमारी लड़ाई जो डुग्गर चैनल की चल रही है, सेटेलाइट चैनल की, और मुझे उम्मीद है कि हम जीतेंगे और किसी ने, और जीते उसके बाद हमारा धीरे कल्चर, धीरे हमारी धीरे लैंग्वेज हमारे बिल्कुल बिल्कुल चीजें धीरे जी धीरे ठीक हो जाएंगी। निरुपमा हो वर्मा जी जाएगी। लिखती हैं, जो खुद में एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जैसे कि मैंने कहा फिल्मों से, आकाशवाणी से और दूरदर्शन से जुड़ी हुई, रंगमंच से जुड़ी हुई बेहतरीन कलाकार, लिखती हैं कि वेरी इंटरेस्टिंग, हैव लर्न सो मच टुडे। बहुत शुक्रिया निरुपमा जी। थैंक यू निरुपमा जी, थैंक यू। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी लिखते हैं, जागर जागरना सिमरल जागो इन पंजाब विद सेम पर्पस। बिल्कुल जागो करके यस भी ये होता है। सुचित्रा गुप्ता जी, बहुत जाना माना नाम दिल्ली रंगमंच का, दूरदर्शन का, आकाशवाणी का, लिखती हैं, हम कितना कुछ भूलते जा रहे हैं। आज हम चार स्टेट्स के फोक नहीं बता सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अमरजीत अरोड़ा जी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर जर्नी रही आपकी। रेनू कॉल लिख रही है, जम्मू मस्ट फाइट फॉर इट्स जेन्युइन थैंक यू शेयर। जी यस रेनू सर। जी। सुनीता अग्रवाल जी लिखती हैं कि बहुत जबरदस्त फीलिंग्स हैं आपकी, बहुत खूबसूरत आप कह रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने बहुत सारे किरदार किए जम्मू में, जम्मू से बाहर भी आपने बहुत सारे अपने नाटकों को लेकर आप बाहर गए। कोई ऐसा करेक्टर जो आप शिद्दत से करना चाहते हो, जो आपका मन हो कि मुझे ये वाला करेक्टर कभी मिल जाए और मैं इसको जरूर करूंगा, कुछ है ऐसा? आपने हर तरह के करेक्टर नहीं, किए, कई यस बार होता है मैंने कि हर हर यस मैंने हर तरह जी के करेक्टर किए। देखिए अभी मतलब के लास्ट हमने फेब्रुअरी में कलकत्ता जी में परफॉर्म किया है, फेब्रुअरी 20 में, जी 2020 में, जी 23 फेब्रुअरी को हमारा वहां पर प्ले था, इश्क मलंगी। जी और बहुत खूबसूरत प्ले है, आपने देखा हुआ है शायद, देखा हुआ है, एनएसडी में देखा हमने हुआ किया मैंने। था। जी यस जी अभिमंचा में एनएसडी देखा में है किया मैंने था, प्ले। वो हमने वहां परफॉर्म किया जे फेब्रुअरी में। और रिसेंटली लास्ट मंथ में हमने एक नाटक किया, वो नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर की ओर से, यहाँ पर डोगरी में ही किया। वो जो कलकत्ता की बात कर रहा हूँ वो तो हिंदुस्तानी में था, और ये डोगरी में हमने किया, शाह शानी। और शाहशानी, बहुत बिल्कुल मतलब रजनीश जी बहुत का लिखा हुआ है। खूबसूरत, जैस रजनीश जी का लिखा हुआ। तो वो अभी लास्ट मंथ में वो किया है। तो जी बहुत खूबसूरत प्ले है वो, ऐसा बहुत खूबसूरत ऐसा प्ले ऐसा है। मैं सिर्फ ये है कि मैं, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं एक कोई नेगेटिव रोल, हालांकि सीरियल जो किए हैं डोगरी सीरियल, उसमें काफी सीरियल में मैंने नेगेटिव रोल किया, मगर मैं स्टेज पर नेगेटिव रोल कोई अच्छा सा करना चाहता हूँ। शायद मोहन सिंह जी पीछे बात कर रहे थे कि कोई है करेक्टर, तो देखो अरे क्या वाह होता है। वाह, जी क्या जी बात क्या और बात। मैं एक बात और आपको बताऊं काजल जी, जी जी बिल्कुल ये बात है 82-83 की, अभिनव थिएटर में आग लग गई थी, शायद आप जानती हैं। तो जी, बहुत पहले की बात है जी। पीछे साइक्रोमा वगैरह ये बहुत सब कुछ जल गया था। तो उन दिनों बिल्कुल मोहम्मद यूसुफ टैंक जी सेक्रेटरी हुआ करते, तो हम उनके पास गए के इसकी रिपेयर वगैरह करवा। तो उनका कोई हमें मतलब के सेटिस्फेक्ट्री जवाब नहीं मिला, और बड़ा तानाशाही जैसा रवैया उन्होंने कहा। तो तब मैं डुगर मंच के साथ था, तो हुआ क्या के सॉरी हुआ क्या जी के मैंने मोहन सिंह जी से कहा, मैं जनरल सेक्रेटरी था क्लब का, तो मोहन सिंह जी प्रेसिडेंट थे। तो मैंने जी कहा मोहन सिंह जी, आज के बाद हम अभिनव थिएटर में
थिएटर नहीं करेंगे। तो बाहर आए, कहते आपने बोल दिया मगर करेंगे क्या। मैंने कहा हम नुक्कड़ नाटक करेंगे, अरे और वाह, क्या जम्मू बात। में नुक्कड़ नाटकों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। और कैसे हुआ, मोहन सिंह जी को मैंने कहा आप लिख सकते हो, हम करेंगे। और जब बिल्कुल हमने पहली बार जब करना था, तो हमने एक गांव है, ये बिश्नाह के पास एक गांव है, हमने शुरुआत वहां से की नुक्कड़ नाटक की। और उसके बाद हमने जम्मू सिटी में किए, और एक दिन में हमने 8-8, 10-10 परफॉर्मेंसेस की है नुक्कड़ नाटक की। और क्या उसके बात। बाद वो सिलसिला इतना चला नुक्कड़ नाटक का कि हमें लोगों के इनविटेशन आने लगे कि हमारे गांव में करो, उधर भी करो। क्योंकि नुक्कड़ नाटक तो आपको पता है कि प्रोटेस्ट थिएटर बिल्कुल, भी इसे कहते हैं, जी तो जी उसमें जी जो निजाम है उसके जी विरोध, मैं नहीं कहूंगा, उनकी जो क्रूतियां हैं उनको दर्शाया जाता है कि क्या कमियां हैं उनमें और कैसे ठीक हो सकती हैं। तो ये नुक्कड़ नाटकों का सिलसिला जम्मू में जो है वो मतलब के डुग्गर मंच की एक बहुत क्या बड़ी बात, देन रही, और मोहन सिंह जी ने क्या बहुत बात, अच्छे नुक्कड़ नाटक लिखे इसके बारे में, और ये क्या सिलसिला बात। वहां से आज तक चल रहा है वो नुक्कड़ नाटक का मोहन सिंह सिलसिला। सर जी तो बहुत, वे आर ऑल प्राउड, मोहन आई सिंह एम जी आल्सो प्राउड कि मोहन सिंह जी जी इतनी बेहतरीन शख्सियत हमारी जम्मू कश्मीर की, बहुत बेहतरीन शख्सियत। मैं यहाँ एक बार जरूर कहना चाहूंगी, जिस तरह से आप वो कहते थे कि आप जब डोगरी बोलते हो उसे पंजाबी का टच आता है, मुझे यहाँ कहा जाता है मैं डोगरी को ना पंजाबी स्टाइल में बोलती हूँ, मैं पंजाबी स्टाइल में डोगरी एक्चुअली बोलती हूँ। मैं जब डोगरी बोलती हूँ तो उसे पंजाबी स्टाइल आ जाता है, मुझे भी ये कहा जाता है। एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि पंजाबी और डोगरी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मगर बिल्कुल नहीं वो है। थोड़ा सा स्लैंग जो है वो थोड़ा सा डिफर हाँ कर जाता है। अदरवाइज मतलब के पंजाबी बोलने वाले जो है वो डोगरी को अच्छी तरह से समझते हैं। और दूसरा क्या है कि हमारे जहाँ जम्मू में, खासकर जम्मू रीजन जो है हाँ उसमें क्या के खिचड़ी बन चुकी है, दुनिया भर बिल्कुल। की माइग्रेशन जो है, दुनिया भर की माइग्रेशन। देखो 1947 में जब पहली माइग्रेशन पंजाब से जो हुई, ठीक है, मैं पंजाब से नहीं मतलब पाकिस्तान से जो माइग्रेशन हुई वो भी सारी की सारी जम्मू में आकर बैठ गए, ठीक है। नो डाउट वहां जो कुछ इलाका था जो डोगरों का ही था वो आए हैं, कुछ पंजाबी थे वो भी आ गए। और मेरे ख्याल हिंदुस्तान का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो वहां का आदमी यहाँ पर नहीं है, आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उसकी वजह बिल्कुल से भी थोड़ा सा आने वाली जनरेशन में भी थोड़ा सा भाषा में, खासकर मतलब के टाउन एरिया और सिटी एरिया में भाषा का थोड़ा सा डोगरी में यही बात, प्रॉब्लम आ रही जी है, बिल्कुल यही बात। दिल्ली में वो भी है, दिल्ली प्रॉब्लम आ में रही डोगरी स्पीकिंग बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, जो जिस तरह जिस है। जम्मू यस में है और उस तरह से यह इम्पैक्ट पड़ जाता है, पंजाबी स्पीकिंग ज्यादा है, तो हमारी जय जय डोगरी भी मिक्स हो गई है, पंजाबी का उसमें ज्यादा आ गया है। नहीं बट डोगरी, ऐसा डोगरी बहुत मीठी लैंग्वेज है, हमारी जो लैंग्वेज है डोगरी बहुत मीठी लैंग्वेज है, और बहुत इतना मीठी खूबसूरत जी कहा जाता है कि मिठड़ी ये डोगरे दी बोली थी, खंड मिठे लोग बोल डोगरे, ये बहुत खूबसूरत कहा गया है कि जो डोगरी भाषा है वो मीठे की तरह मीठी है, और जो जम्मू के लोग हैं, वाकई ये बात मैं सच में कह रही हूँ कि जम्मू के लोगों में जो अपनापन आप देखेंगे वो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों में जो अपनापन देखेंगे वो शायद कहीं और नहीं मिलेगा आपको देखने में। और स्मिता अग्रवाल जी लिखती हैं कि कलाकार देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी लगा देते हैं, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। कुसुमधर जी कहती हैं कि मुझे भी नेगेटिव रोल करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें शेयर करके, लेकिन चलते चलते मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी, जो नई जनरेशन है जो इस फील्ड में आना चाहती है, जिस तरह से आपने इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, इतनी डेडिकेशन की, किस तरह से आप घर से आप जाते थे रिहर्सल करने, रात को लेट पहुंचते थे अपने घर, किस तरह से आपने इतनी स्ट्रगल की है आपने, और किस तरह से लैंप लव लगा के उसके नीचे आपने, मतलब बहुत इंस्पिरेशनल आपकी जर्नी रही है। तो मैं चाहूंगी जो यंग जनरेशन है उनको आप क्या कहना चाहेंगे। काजल जी, बड़ा अजीब सा सवाल होता है कि कोई भी काम करना है आपने, कोई भी जी काम, थिएटर के अलावा जी कोई भी काम करना है, जब तक आपकी रुचि उसमें नहीं होगी आप वो काम अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। जुनून होना बहुत जरूरी है मतलब के, जी बिल्कुल और थिएटर करने के लिए पंक्चुअलिटी भी बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप पंक्चुअल नहीं है तो इसका मतलब आपको उस काम में रुचि ही नहीं है।
बिल्कुल तो बिल्कुल दूसरे दूसरी बात ये है कि लिटरेचर पढ़ना बहुत जरूरी है। हर यस किस्म का लिटरेचर पढ़ना चाहिए, हर किस्म का लिटरेचर, इंग्लिश में भी है तो वो भी पढ़ो, किसी भी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपको आती है अच्छे तरीके से आती है उस लैंग्वेज को पढ़ो। और मैं तो यहाँ तक बताऊं कि आपको कि अखबार जो आती थी हमारे घर में, हिंदी में भी अखबार जो आती थी, तो मैं अखबार भी मुंह में नहीं पढ़ता था, बोल के पढ़ता था। तो घर क्या वाले भी कहते थे कि भाई आप चुप करके नहीं पढ़ सकते, ये बोल के क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने कहा मैं, मुझे नाटक करना है तो इसलिए मैं उसी ढंग से पढ़ूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम करना हो, थिएटर करना क्या है, कोई भी काम करना हो, जब तक आप में रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है किसी भी काम में। और दूसरा जुनून जो है, जुनून मतलब हद तक जुनून होना चाहिए तभी आप सक्सेस। बाकी रहा थिएटर में, तो ये एक ऐसा मीडियम है कि इसमें तो आदमी मतलब के मरते दम तक सीखता रहता है। बिल्कुल और बिल्कुल सीखने के लिए तो मैं यही कहूंगा कि ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, खासकर बिल्कुल ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और हर चीज को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कौन सी चीज का कहाँ पर थिएटर में आपके काम आ जाएगी। और लिटरेचर पढ़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी वोकेबुलरी जो है वो स्ट्रांग होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप भूल इम्प्रोवाइजेशन जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, तो क्या था वो अक्षर, क्या था, मुश्किल हो जाता है। तो आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी तो उसका सब्स्टिट्यूट वर्ड आप इमिजिएटली, क्योंकि स्टेज पर तो कट नहीं होता है, टेलीविजन में कट हो जाता है, नथिंग रीटेक हो जाता है, सिनेमा नथिंग में रीटेक हो जाता है, लेकिन स्टेज पर रीटेक नहीं होता। इसलिए लिटरेचर पढ़ो, अपनी वोकेबलरी जो है वो उसे स्ट्रांग करो, और वो वोकेबलरी स्ट्रांग तभी हो सकती है जब आप लिटरेचर, हर किस्म का लिटरेचर पढ़ो। ये नहीं है कि कहानियां ही पढ़ो, नाटक पढ़ो, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ कहानी नाटक ही पढ़ो, आप साइंस भी पढ़ो, ज्योमेट्री भी पढ़ो, हर किस्म क्या बात की वो है, क्या बात क्या क्योंकि बात नाटक नाटक में हर एक चीज आती है। नाटक में हिस्ट्री भी है, नाटक में ज्योग्राफिया भी है, नाटक में साइंस भी है, नाटक में सब मैथमेटिक्स भी है। मैथमेटिक्स के बिना आप मूवमेंट्स नहीं ले सकते। तो क्या बात इन सब चीजों का ध्यान रख, मैं तो यही कहूंगा कि अगर नाटक करना है तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरी बात कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तीसरी बात ये कि लिटरेचर रेगुलर पढ़ो, नाटक रेगुलर पढ़ो, तो आप कुछ भी कर डेडिकेशन सकते बहुत हो। जरूरी है, पैशन डेडिकेशन बहुत जरूरी है, पेशेंस यस, पेशेंस भी बहुत जरूरी है, पेशेंस, पेशेंस पेशेंस तो चाहिए, बहुत जरूरी है पेशेंस तो चाहिए, उसके जी बिना बड़ा मुश्किल है। जी इंद्रजीत सिंह भाटिया बिल्कुल जी लिखते हैं, एक माँ दिया दो धिया पंजाबी ते डोगरी, पर डोगरी बड़ी मिठी। बिल्कुल सही कहा इंद्रजीत सिंह जी भाटिया सर आपने, थैंक यू बहुत इंद्रजीत जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जनक सर आपको, बहुत बहुत शुक्रिया कि एंड आई एम सो प्राउड कि आप, मैं उस हम लोग उसी स्टेट से हैं, एंड आई एम सो प्राउड कि आई एम फ्रॉम जम्मू, और आपका यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि आप हमारे इस मंच पर आए, रूबरू के मंच पर आए, और इतनी खूबसूरत बातें खासतौर पर डोगरी कल्चर को लेकर जो आपने बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू काजल जी, आपका भी और आपके रूबरू का भी, और मेरे कंटेम्प्रेरी विजय सूरी जी की फाउंडेशन का भी, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं आप सबका आभारी हूँ, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और दिवाली की ते धनतेरस मतिया मतिया ओ मुबारका, आप, मतिया यस, मतिया हाँ, मुबारका सर डोगरी में तुसेंगे भी, तुस, आ, तुसें सारेंगे भी दिवाली दिया मतियां मतियां मुबारक, शुक्रिया। मतिया मतिया मुबारका, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें मॉरल सपोर्ट देने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया, और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से, रूबरू टीम की तरफ से, विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से। और अब हम आपसे मिलेंगे दिवाली के बाद यानी 15 तारीख को, और हमारे साथ होंगे श्रीनगर के एक बहुत खूबसूरत, बहुत जाने माने गायक जिनकी बहुत ही खूबसूरत आवाज है, वाहिद जिलानी साहब हमारे साथ होंगे 15 तारीख को शाम को 6 बजे। लेकिन बहुत बहुत
मुबारक है, जिस तरह से कहा हमने डोगरी में, मतिया मतिया मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, और धनतेरस, जैसे आज धनतेरस है, सभी के लिए दिवाली शुभ हो, और जिस मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, इस मुश्किल ये मुश्किल दौर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, और हम फिर से जो हम जिस तरह से काम करते थे, फिर से हम काम करना शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सभी का। नमस्कार और शुभ रात्रि।